I thought let's make momos. मतलब you make momos. I'm not making momos. But thank you for ordering. Please rate us on Zomato. Let me take this and try कि ये कैसा है. Veg momo, veg steam momo. भाई ऐसा लग रहा है काम खत्म ही नहीं हो रहा. क्या ही बताऊँ मैं कितनी थक गई हूँ. 2-1-10. Hi everyone, welcome back to my channel. I am Ritima, this is Shivam, and हम करने वाले हैं आज एक चीज. Actually मुझे इसने ही idea दिया था कि घर का versus बाहर का ना तू एक series बना. वैसी लग रही है camera में. यार प्लीज मुझे बात सुन ले. तो इसी ने मुझे बोला था कि घर का वर्सेस बाहर का खाना यू शुड डेफिनेटली ट्राई एट होम. सो आप पकड़ लो, आप पकड़ लो. एक्चुअली आज हम बनाने वाले हैं कुछ जो शिवम ने मुझे ऑलरेडी बता रखा है, लेकिन अभी हम आपको बता देते हैं. तो आप क्या चाहते हो कि आज मैं घर पे क्या बनाऊं? यार देखो मैंने सोचा तो बहुत कुछ था. मैंने कहा पीजे बर्गर बहुत खा लिए और मेरे को एक वो तू आजकल वो बहुत ज्यादा बना रही है बरीटो टाइप का, दैट इज ऑल्सो अमेजिंग, बट आई थिंक उस पर शॉर्ट बना चुकी है. इसलिए आई थॉट लेट्स मेक मोमोज. मतलब यू मेक मोमोज, आई एम नॉट मेकिंग मोमोज. Also not like normal momos, corn and cheese वाले momos. Okay, so क्योंकि इसने मुझे बोला corn cheese momos बनाने के लिए, तो अभी मुझे जाके बहुत सारा काम करना पड़ेगा, because सच में it takes a lot of time to make momos. I want to see cheese का अंदर क्या होगा, वो खाली तो नहीं हो जाएगी? यार normally तो सब लोग mayo वो क्या क्या बोलते हैं मोजरेला ही डालते हैं. सो लेट्स जस्ट सी कि अब स्प्रेड डालते हैं. हाँ हाँ कहीं भी नहीं डालते हैं. सो चलो ओके. ऐसी लग रही है. जा रही हूँ यार मैं यार. सो एक्चुअली मैंने अभी तक शिवम को बताया नहीं, पर मैंने दो तरीके के मोमोज ऑलरेडी मंगवा लिए हैं उसके फेवरेट प्लेस से. सो एक ऑब्वियसली है स्वीट कॉर्न मोमोज, मतलब कॉर्न एंड चीज मोमोज, और दूसरे हैं नॉर्मल प्लेन वेज मोमोज, बिकॉज वो भी वो बहुत खुश होकर खाता है. सो अभी थोड़ा सा टाइम है ऑर्डर आने में, मैं तब तक जाती हूँ किचन में और जो भी कटिंग चॉपिंग वगैरह प्रेप्स हैं वो सब करती हूँ, एंड उसके बाद जैसे ही ऑर्डर आता है फिर मैं मिलती हूँ आपसे. अ फ्यू इंचेस लेटर. ओके सो आ गए हैं हमारे मोमोज और मैं फटाफट दिखाती हूँ आपको. सो ये एक्चुअली इनके क्लासिक मोमोज है, वेज मोमोज. बहुत सही सॉलिड गार्लिक वाली खुशबू आ रही है, मजा आ गया. और ये है इनके कॉर्न एंड चीज मोमोज. दिस इज हाउ दे लुक. थोड़े फ्लैट हो गए आते आते, बट दिस इज हाउ दे लुक. एंड आई हैव टू नाउ एक्चुअली टेस्ट की कॉर्न एंड चीज वाले मोमोज हैं कैसे, बिकॉज मैंने इनके कभी भी नहीं खाए हैं. शिवम ने खाए हैं एंड ही लव्स इट. सो आई रियली वॉन्ट टू ट्राई. एंड एक और चीज, इनकी चटनी बहुत अच्छी होती है. ऑल्सो मुझे चटनी भी बनानी है, मतलब या अगर मेरे को बनाना है तो मुझे सब कुछ बनाना है. सो एनीवेज लेट मी टेक दिस एंड ट्राई कि ये कैसा है. इट टेस्ट्स वेरी डिफरेंट. पिचक तो गया ये, पर इसके अंदर अगेन कोई ना तो चीज़ पुल है ना ही मेल्टिंग चीज है. सो क्लियरली जो स्टफिंग है उसमें सिर्फ कॉर्न चीज और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और थोड़े से ओरिगेनो या कोई भी पास्ता सीजनिंग या यू नो कोई भी इटालियन सीजनिंग है वो है. सो या दिस आई कैन वेरी इजिली रिक्रिएट. आई डोंट नो हाउ गुड विल इट टर्न आउट, लेकिन गले में लग गई मिर्ची. दूसरा है इनका वेज मोमो, वेज स्टीम मोमो. गर्म है. सो या ये वाली शेप मुझे एक्चुअली मेरा बहुत मन है रिक्रिएट करने का. सो लेट्स सी अगर मैं कर पाऊंगी तो. लेकिन इनका ये वाला मोमो और इसकी स्टफिंग बहुत ही अमेजिंग होते हैं. इनकी स्टफिंग बहुत अच्छी होती है, पता है. ये स्टीम मोमोज भी बहुत अच्छे बनाते हैं एंड देयर मोमोज आर सी कंपैरेटिवली वेरी बिग इन साइज. या तो एक प्लेट में 6 मोमोज ही देते हैं, लेकिन आज ऑब्वियसली मेरी दुकान खुलने वाली है, तो दैट वेरी क्लियरली मींस कि मैं बहुत सारे मोमोज बनाने वाली हूँ. 6 में आप लिमिट नहीं करोगे, आप बहुत सारे मोमोज खा सकते हो. आई थिंक ये सब रैप अप करके मुझे किचन में जाना चाहिए, क्योंकि मेरे पास बहुत काम है. मतलब इतना काम है कि मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे सोच सोच के चक्कर आ रहे हैं. सो या आई विल जस्ट गो. सो आई हैव बीन प्रिपेयरिंग. मैं फटाफट आपको बताती हूँ कि एक्चुअली मैंने अभी तक क्या किया है. सो कॉर्न एंड चीज़ के लिए मैंने कॉर्न्स बॉईल करके रख लिए हैं. एंड यार बहुत सारा काम बाकी है अभी भी. मेरे को लग रहा है मैंने कुछ नहीं किया है, बट मैं टूट चुकी हूँ ऑलरेडी. बट एनीवेज तो ये मैंने फिलिंग के लिए मोमोज के अंदर जो स्टफिंग डाल ली है, ये सारे के सारे वेजिटेबल्स मैंने कैबेज, कैरेट, प्याज, थोड़ी सी शिमला मिर्च, ये सब मैंने तो अभी मोटा मोटा वो काट के रखा है. लेकिन अभी मुझे इसको चॉपर में डाल के चॉप करना पड़ेगा. मतलब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि मैं कुक करूँ या मैं रिकॉर्ड करूँ, क्योंकि मेरे को इतना इसे हैसल हो रहा है. बट आई होप आई विल बी एबल टू डू इट.
बोथ ऑफ दीज थिंग्स टुगेदर. सो अभी पहले हम नहीं, ये हम इसको बाद में चॉप करेंगे, चॉपर में डाल के. इसको भी मैं रख देती हूँ क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम ये है कि मैंने अभी तक डो नहीं रेडी किया है. सो डो को 20-25 मिनट के लिए रेस्ट भी करवाना पड़ेगा. सो मैं फटाफट पहले अपना मैदा प्रॉपरली गूंद लेती हूँ. एंड मैंने आटे के मोमोज थोड़ा टाइम पहले बनाने की कोशिश की थी, जो कि अल्टीमेटली हमें फिर एयर फ्राई करने पड़े थे क्योंकि वो उस तरीके से ना ट्रांसलूसेंट नहीं हुए थे जैसे एग्जैक्टली मोमोज होते हैं. और मुझे वो मोमोज चाहिए, मुझे वो अचीव करना है, अदरवाइज आज का चैलेंज फिर बेकार है. सो इसीलिए अभी मैं आटा गूंदने वाली हूँ, मतलब मैदा गूंदने वाली हूँ. एंड वो करके मुझे बनानी है चटनी. सो चटनी के लिए भी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें रेडी करके रखी हुई है. मैं एज एंड मैन करती रहती हूँ और आपको बताती रहती हूँ. अभी मैं पहले गूंदना मुझे आटा. ओके, वी हैव मैदा. एंड मैदे के साथ हमें चाहिए थोड़ा ऑयल, मैदा, ऑयल, थोड़ा सा नमक और पानी. दैट्स ऑल दैट वी नीड. सो फाइनली 4 घंटे बाद मेरा डो बन गया है. एंड या अब ये 20 मिनट के लिए इसको रेस्ट करवाना है, तो तब तक के लिए हमें बनानी है चटनी साथ में. एंड चटनी के लिए मैंने टमाटर स्लिट करके थोड़ा सा गार्लिक और थोड़ी सी लाल मिर्च को बॉईल कर लिया है. एंड फिर ये ठंडा भी हो चुका है और ये अभी मुझे पीसना है. एंड देन वील हैव टू कुक दिस ऑल्सो. सो फटाफट से ये सब करते हैं. सो अभी इट लुक्स लाइक दिस. एंड अब इसको हमें पकाना है एक्चुअली. ओके, अब चटनी में एक्चुअली कुछ नहीं करना है, सिर्फ थोड़ा सा सॉल्ट डालना है. एंड इट बी डन. आप एंड में थोड़ा सा धनिया अगर इफ़ यू वांट आप डाल सकते हो. आई विल स्किप इट बिकॉज शिवम नहीं खाता है. सो या चटनी विल बी रेडी. वंस चटनी इज डन, आई विल चॉप एवरीथिंग अप. एंड देन इसकी फिलिंग को भी थोड़ा सा सॉटे करना है. लेट्स फिनिश दिस. चटनी इज ऑल्सो रेडी. अब ये थोड़ी ठंडी होने के लिए साइड पर रखते हैं. साइमल्टेनियसली करते हैं अपनी चॉपिंग, ये चॉपर में डाल के सब कुछ. एंड उसके बाद इस सबको सॉटे करते हैं. ये चीज़ ना, ये सच में ब्लेसिंग है क्योंकि अगर ये नहीं होता ना, मेरे को हाथ से करना पड़ता और बड़ा मुश्किल लग रहा था सच में. या सो डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस, आपको जितना छोटा करना है आप उतना छोटा छोटा चॉप कर सकते हो. अ फ्यू इंचेस लेटर. ओके, सो फाइनली चॉपिंग भी हो गई और भैया मैं तो टूट गई. सो फटाफट इसको सॉटे कर लेते हैं और वेज वाली हमारी स्टफिंग रेडी हो जाएगी. सो ये स्टफिंग भी हो गई है रेडी. इसमें सिर्फ नमक और थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाला है मैंने, दैट इज ऑल. अब बनाएंगे हम कॉर्न एंड चीज वाली फिलिंग. भाई ऐसा लग रहा है काम खत्म ही नहीं हो रहा और मैं क्या ही बताऊँ, मैं कितनी थक गई हूँ. बट मुझे इतनी खुशी हो रही है ना ये करके, आई कांट रियली टेल यू. आई एम सो एक्साइटेड हाउ विल इट टर्न आउट. सो ये वाली स्टफिंग तो बहुत ही ईजी है. इसमें हमें चाहिए थोड़े से कॉर्न, थोड़ा रेड चिली फ्लेक्स, थोड़ी सी पास्ता सीजनिंग, चीज और नमक, एंड दैट इज ऑल. एंड सो दिस इज रेडी. तो अब फटाफट इनको मोमोज में स्टफ करते हैं एंड उसको स्टीम करते हैं और उसके बाद देखते हैं हमारे मोमोज कैसे बनने वाले हैं. मेरा फोन उधर पटक दे क्योंकि मेरा okay, listen. So, हमारे पास दो तरीके के मोमोज हैं. So we have veg momos and we have corn and cheese, जो आपने बोला था. मैं तो दस गई भाई साहब. ऐसे आप अपने आप से चैलेंज नहीं कर सकते, ऐसे नहीं होता. कर सकते हैं. आप मेरी बात सुनो, मैं तेरे मुंह पे मेरा सी मेरा वेज मोमोज खाने का बहुत ज्यादा मन था. देखो बाकी वैसे ये देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं. ये आपको बोलना चाहिए, पर ये आपको एक बार पर ये आपको बोलना चाहिए कि देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं. मिनट, दिस इज सो वेरी गुड, दिस इज सो प्रीटी. एंड ये मेरी ऐसी बेइज्जती करी यार. या कर्मा इज द बॉयफ्रेंड, कर्मा इज द गॉड. यार इन्होंने मेरी ऐसी बेइज्जती की है ना, लुक एट दिस. ये ऐसे पिचक से गए हैं, मुझे लग रहा है चीज अंदर ऐसे होगी ना. हां वो ऐसे प्रिसिशन देख रहे हो तुम भाई, मतलब मजाक है क्या? इससे पता चलता है इसको चूटी काटनी बहुत अच्छी आती है. तो पहले क्योंकि मैंने ये बोला था, ये तो मैंने बोले भी नहीं थे, पर मैं खा लूंगा. पर दूसरा पीस उठा ले, ये थोड़ा ज्यादा ही भद्दा सा लग रहा है. ओके, नहीं ये वाला ठीक है. सो दिस इज आवर कॉर्न एंड चीज. कॉर्न एंड चीज, कॉर्न एंड चीज. पहले तोड़ के ऐसे दिखाओ यार, मेरे से कभी फोकस क्यों. हां क्योंकि थोबड़ा आ जाता है ना इसलिए. मत कर यार, तू खा ले यार, तू खा ले. एक मिनट जल्दी. ओके, ओह दिस इज चीज पुल, दिस इज चीज पुल. बना पता नहीं कैसा होगा, पर देख एटलीस्ट देखने में तो चटनी तो अच्छी लग रही है. बहुत स्पाइसी लग रही है. नहीं मैंने स्पाइसी नहीं बनाई, मैंने बहुत एवरेज स्पाइसी. चल आई थिंक बैलेंस हो जाना चाहिए. कैसा लग रहा है, मैं मास्टर शेफ में से जज की ये इसकी टेस्टिंग कर रहा हूं. एलिमिनेटेड. नहीं और तू भी पता कैसे कर रहा है.
मार्को पिया वाइट की तरह यस मार्को आई डोंट नो मेरे को नहीं पता इसको कौन चीज मोमोज पसंद क्यों है पर आई रियली हैव नो मुझे वैसे कौन नहीं पसंद कौन चीज मोमोज अच्छा होता है मुझे तो गुड आई विल आल्सो ट्राई और दिस इज रियली गुड लेट्स टेक अ बाइट और मुझे अब नहीं लग रहा है बाहर वालों में तो कौन का टेस्ट आता ही नहीं है हां बहुत कम होता है उम्मीद भी थी फीलिंग मेरे फोकस नहीं होता कोई बात नहीं हो गया लेकिन अब मुझे लग रहा था कि यार मैं अगर पोपट हो गया ना या फट गए तो हो गया काम एटलीस्ट फटे नहीं ओके हाउ वुड यू लाइक टू रेट दिस नाउ वेज 900 तारीफ करके उसके बाद बोलते 2/10 नंबर क्या घर लेके जा रहे Please let us know. Bye bye.